पूर्वी यूक्रेन में पुतिन की बढ़त से परेशान जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों को जमकर खरी खोटी सुनाई। असल में जेलेंस्की इसलिए परेशान हैं क्योंकि मारियोपोल को जीतने के बाद रूस पूर्वी यूक्रेन के डोनबास इलाके पर कब्जा जमाने की कोशिश में जुटा है, जिसके लिए उसकी सेना वहां के 40 शहरों को घेर कर उन पर बमों और मिसाइलों से हमला बोल रही है। दावा है कि इन हमलों में 47 इमारतें और 38 स्कूल पूरी तरह ध्वस्त हो गए। असल में डोनबास पूर्वी यूक्रेन का बड़ा इलाका है जिसमें लुहांस्क और डोनेस्क भी आते हैं, जिन्हें पुतिन यूक्रेन से छीन लेना चाहते हैं और इसीलिए वो एक रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं। इस बीच डोनेस्क के गवर्नर ने आरोप लगाया कि रूस ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी जिनमें 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। यही नहीं, लुहांस्क में भी रूसी फौज जमकर कहर ढा रही है। दावा है कि वहां के औद्योगिक शहर सेवेरोडोनेस्क पर रूसी सेना जल्द कब्जा जमा लेगी, जिसके लिए रूसी फौज ने शहर के चारों तरफ अपना घेरा डाल दिया है। हालांकि यूक्रेन की सेना उन्हें मुंहतोड़ जवाब दे रही है, लेकिन रूस का दावा है कि आने वाले कुछ दिनों में ये औद्योगिक शहर उसकी मुट्ठी में आ जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो ये जेलेंस्की के लिए बड़ा झटका होगा और पुतिन के लिए बड़ी जीत, क्योंकि इस जंग में पश्चिमी देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं। रूस के सामने टिके रहने के लिए घातक और खतरनाक हथियारों की सप्लाई भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी पुतिन का सैन्य अभियान थम नहीं रहा। और तो और, मारियोपोल पर कब्जे के बाद पूर्वी यूक्रेन में भी पुतिन की सेना बढ़त बनाती जा रही है, जिससे जेलेंस्की परेशान है। यही वजह है कि वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पश्चिमी देशों पर भड़क गए। जेलेंस्की का आरोप है कि यूक्रेन जंग पर पश्चिमी देशों का समर्थन बटा हुआ है, जिससे रूस की ताकत बढ़ती जा रही है। उन्होंने रूस के खिलाफ सभी देशों से एकजुट होने की भी अपील की, साथ में ये भी कहा कि अगर रूस को नहीं रोका गया तो दुनिया को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी।